ऐसे बाबू कि आज हम लोग अपने प्यारे से हरियाणा प्रदेश के गुरुग्राम के इस सुंदर से कैम्ब्रिज इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल उसके वार्षिकोत्सव में हैं और ये अपनी स्थापना के 20 साल पूरे कर रहा है और हमारे आदरणीय सम्माननीय इसके संस्थापक संचालक श्रीमान श्री राजेश ठक्कर जी हमारे बीच में हैं, प्रिंसिपल साहब हैं, हमारे दिनेश नागपाल जी हैं, नरेंद्र यादव जी हैं, सम्मानित लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और इनकी उपस्थिति में आज मैं कहना चाहता हूँ कि आज मैंने कार्यक्रम को देखा, मन बहुत गदगद हुआ, बहुत प्रसन्नता हुई है और सबसे बड़ी आज मैं कहना चाहता हूँ कि मैं अनेक हजारों हजारों स्कूलों में विद्यालयों में गया हूँ लेकिन जो यहाँ पर बच्चों को कार्यक्रम के माध्यम से अथवा वैसे स्टडी के माध्यम से यहाँ पर प्रवास के माध्यम से जो संस्कार दिए जा रहे हैं, जो उनके अंदर टैलेंट को एक जागृत किया जा रहा है, एक शिक्षा दी जा रही है, वो अपने आप में एक मिसाल है, अद्भुत है और इस बात के लिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति वो हमेशा जीवित रहे, मेरा भारत दुनिया का गुरु कहलाता रहे और एक मनुष्य को कम से कम जीवन की पद्धति आनी चाहिए, जीवन का तरीका आना चाहिए और वो सबसे ज्यादा गुरुजनों के सानिध्य में बैठ करके सीख सकता है, अपने शिक्षक के सानिध्य में समिति में बैठ करके सीख सकता है जिसका कई जगह अभाव दिखाई देता है। लेकिन आज इस विद्यालय के प्रांगण में आकर के ये कैम्ब्रिज इंटरनेशनल ग्रुप वास्तव में बधाई का पात्र है, धन्यवाद का पात्र है कि आप बच्चों के अंदर वो पूंजी उनको दे रहे हो कि जिसकी आवश्यकता नितांत रूप से मेरी भारतीय संस्कृति को प्रबल करने के लिए है। मेरा भारत पूरी दुनिया का गुरु कहलाता है, कहलाता था, लेकिन ये कहलाता रहे हमेशा हमेशा वो तब संभव होगा जब इन बच्चों को ये संस्कार दिए जाएंगे। तो इसलिए आज मैं उस अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करते हुए फिर साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि इनको हर तरफ, जैसे हम कहते हैं सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास यानी हर अंग का ध्यान रखा जाए। हमारा शरीर है, इसके भी 25 अवयव है, तो अगर किसी भी अंग में तकलीफ होगी तो शरीर पूरे को तकलीफ होती है, पीड़ा होती है। तो इस तरह से यहाँ पर सर्वांगीण यानी हर पहलू को सोचा जा रहा है कि हमारी संस्कृति कैसे होगी, सभ्यता कैसे होगी, वाणी कैसे होगी, संस्कार कैसे होंगे, घर में व्यवहार कैसे होगा, माता पिता का सम्मान कैसे होगा, जीवन का तरीका क्या होगा और फिर पर्यावरण कैसे सुरक्षित रहेगा, हमारे देश की जो सीमाएं हैं वो कैसे सुरक्षित रहेंगी और भी जो हमारी एक कल्चर जो कहलाती है, भारत की अपनी संस्कृति कहलाती है, उसका रुतबा कैसे रहेगा और उसके साथ साथ ऐसे अनेक यानी आधुनिक युग में आज हम कहें कि विज्ञान प्रगति कर रहा है तो विज्ञान के युग में भी हमारे बच्चे कैसे ऊंचे ऊंचे आयामों को छू पाएंगे। मैंने प्रदर्शनी को देखा यहाँ पर जो बच्चों ने तैयारियां की थी, तो इस तरह से लगता है कि आज के युग की इस रफ्तार में ये विद्यालय वो भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, यानी अर्वाचीनता और प्राचीनता, प्राचीनता और अर्वाचीनता, हमारे पुराने संस्कार और वर्तमान की गति दोनों को साथ लेकर के विद्यालय चल रहा है। इसलिए मैं भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए बारंबार विद्यालय परिवार को साधुवाद देते हुए अपनी सद्भावना शुभकामना मंगल कामना इनको अर्पित करता हूँ, परमात्मा कृपा करें। मैं सतपाल अरोड़ा फरनगर से हूँ और आज जो है कॉम्ब्रिज कन्वेंट स्कूल का जो है 20वां एनुअल प्रोग्राम होने जा रहा है, हम उसमें बैठे हैं। मैं आज ये दावे से कह रहा हूँ, विश्वास के साथ कहता हूँ कि हमारे फरनगर तहसील के अंदर इस कॉम्ब्रिज स्कूल जैसा कोई भी स्कूल ऐसा नहीं जिसमें कि इतना बढ़िया पढ़ाई होती हो। यहाँ से पढ़ने वाले छात्र आज IAS की सेवा कर रहे हैं, IAS डिग्री करके सेवा कर रहे हैं, IPS भी बने हैं, कई SCS तो आम है, डॉक्टर वगैरह सब कुछ भी इस स्कूल की देन है और मैं अपने गुड विशेष करता हूँ कि भगवान इस स्कूल को और ज्यादा तरक्की दे, जो इस इलाके का नाम रोशन करे, फरनगर का नाम रोशन करे। अपने मैं धन धन भाग समझता हूँ कि माता को जिसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया राजेश ठक्कर को, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद। हाँ, आज जो अलग अलग इन्होंने एग्जीबिशन की है, अलग अलग विषय पे कहे थे, मैं उसको भी देख के आया हूँ, बड़ा खुश हुआ मैं कि हर बच्चा अपने अपनी लाइन में जो भी उनको ड्यूटी दी गई थी, जिस हिसाब से उनको एग्जीबिशन में जिस सीट पे बिठाया गया था, बहुत बढ़िया वो डीलिंग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ की लोकल संसद का जो उन्होंने संचालन किया और समझाया, पब्लिक को दिखाया, बहुत सराहनीय था। उसके लिए मैं इस स्कूल को और उन बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। लोगों का साथ है, हमारा लक्ष्य है और सरकार की तरफ से यही कोशिश जारी रहेगी। मैडम स्पीकर एंड क्लोज फील्ड ऑफ माइंड, बट आई फील दैट शी क्वाइट अबाउट ओवरचार्जिंग एंड देयर इज अ जनरल कंप्लेंट।
that the food supply and railways is inferior quality and unhygienic. The long distance of four passengers who are of mercy of the pantry and touch of food. How does the Minister of Railways propose this means? Ministry of Railways has taken a serious type of issue. Surprise, that's how conducted. It has been decided to install closed television cameras in the pantry cars. A few trains as the file project to keep in mind on what goes into the food that passenger consume. SMS services to alert passengers on crisis and tented complete numbers have been launched. No, the supplementary is not. Mahodaya. तकनीश आज आसमान की ऊंचाइयां पा रहा है, ये तो हम सभी जानते हैं, पूरी दुनिया ही जानती है, लेकिन इसका एक दूसरा भी पहलू भी है। सरकार तकनीक के नाम पर मेड इन इंडिया, स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया के नारे लगाकर जनता को, विशेष तौर पर आम जनता को चक्कर में डाल रही है। मैडम ये क्वेश्चन आ रहा है, आप सीधा पर्सन पर आ जाइए। जी मैं वहीं पर आ रही हूँ। साथ ही साथ लोगों की आधार पहचान के लिए लोगों की करीब से करीब सारी जानकारियाँ सुरक्षित है, लेकिन अगर कभी भी इन पर हमला हुआ तो बहुत मुश्किल खड़ी हो सकती है। दूसरी बात, मैं ये बताना चाहती हूँ कि मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन हमारे देश में अभी भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ के लोगों ने कंप्यूटर तक नहीं देखा। अब आप लोग ही बताइए, सरकार जो निर्णय लेती है उसे वो कैसे साकार बना सकती है? देता हूँ, इम्पोर्टेंट है जो भी एजुकेशन में या संसद में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके माँ बाप, माता पिता, पेरेंट्स यहाँ आए हुए हैं, वो बड़े खुश और गदगद हो रहे हैं और धन्यवाद कर रहे हैं इस स्कूल को कि हमारे बच्चों को उन्होंने ऐसी शिक्षा दी जो आगे चल के ये कभी फेल नहीं हो सकते। समाज के हिसाब में, पढ़ाई के हिसाब में, एजुकेशन के हिसाब में तो पास है, हमारी तरफ से तो पास है भाई। ऐसा है राजीव ठक्कर जी, चाहे उनको कैसे भी नंबर दे, लेकिन हम अपने आत्मा से कह रहे थे, कॉन्फिडेंशियल कह रहे हैं कि हमारी निगाह में वो पास है, वो कभी इस दुनिया में जाके सामाजिक कार्यक्रम में फेल नहीं हो सकते। उनकी तरक्की रात दिन चलेगी, जैसे वो पढ़ाई कर रहे हैं वैसे आज हम बड़े खुश हैं कि हमारे बच्चों को आगे ले जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सालाना प्रोग्राम आया मैं, इतना अच्छा प्रोग्राम मैंने पहले कभी नहीं देखा, इतना बढ़िया और सारे बच्चे सजे हुए, ऐसे तो कोई पेशेवर भी नहीं वो करते। इनके जो टीचर्स हैं और जो सिखाने वाले हैं और इनको पढ़ाने वाले हैं बच्चों को, मैं सबको, मैं तो अपने हृदय की गहराइयों से मैं इनको धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने ऐसे बच्चे तैयार किए कैम्ब्रिज का, बाकी मेरे इलाके में, क्योंकि मैं इस इलाके का किसान नेता हूँ, मेरे इलाके में इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, तो ये आगे दिन दुगने रात चौगने उन्नति करेंगे। मेरा नाम नरेंद्र यादव है, मैं गुड़गांव से राजेश जी के आज के प्रोग्राम में आया, और आज यहाँ देख के, जो अक्सर कहते हैं कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, जो बच्चों ने टैलेंट दिखाया और जो संस्कार कैम्ब्रिज ने बच्चों के अंदर भरे हैं, मैं समझता हूँ कि आज गुड़गांव के बच्चे और जो यहाँ के बच्चे हैं, जो बच्चे यहाँ के हैं और जो गुड़गांव के जो पिज्जा बर्गर और कोल्ड ड्रिंक पी के बच्चे रहते हैं, यहाँ के जो दूध दही घी खाने वाले बच्चे हैं, कहीं ना कहीं उनसे प्रतिभा में बहुत आगे हैं। और मैं राजेश जी को आज इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ कि जिस संस्कार की आज जरूरत है, जिस तरफ आज बच्चों को जाना चाहिए, जो हमारे शहरों के बच्चे शायद कहीं उससे भटक गए हैं और स्कूल भी भटक गए हैं बच्चों के साथ साथ, आज कैम्ब्रिज ने मैसेज दिया। और मैं जरूर ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हर शहर में कैम्ब्रिज के स्कूल हो और संस्कार जो आज देश को और हमारे गुड़गांव जैसे शहर को चाहिए वो इनसे मिलकर है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आज इनके इस प्रोग्राम के लिए और जो बच्चों ने दिखाया उसके लिए भी। मैं राजेश जी के प्रोग्राम में आया हूँ, मैंने जो अनुभव किया ना वो एक अद्भुत है। मैं गुड़गांव में रोज स्कूलों के प्रोग्राम करता हूँ, बट यहाँ से मुझे एक अलग ही अनुभव मिला। शिक्षा के साथ जो संस्कार यहाँ दिए जा रहे हैं, गीता के 700 श्लोक बच्चों को याद, और वो भी कहीं से भी किसी को कुछ भी पूछ लिया गया तो उन्होंने तुरंत जवाब दिया बिना किसी झिझक के, बिना किसी क्षण विलंब किए हुए। हमें तो देख के बहुत ही अच्छा लगा, एक अलग ही अनुभव हमें यहाँ पे मिला। हम बधाई देना चाहते हैं राजेश जी को कि इस तरह के स्कूल तो हमारे शहर में भी होने चाहिए। गुड़गांव में चीज की हम कमी देख रहे हैं और यहाँ के एक अलग हटके अनुभव हम कर रहे हैं। कैम्ब्रिज स्कूल के लिए और राजेश जी के लिए बहुत बहुत बधाई है। राजेश जी मेरे छोटे भाई हैं और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। राजेश जी के ऊपर
महात्माओं का, साधुओं का, संतों का आशीर्वाद है। 20 साल पहले हम स्वामी धर्मदेव जी के चरण में गए थे और उनको आमंत्रित करके आए थे कि आइए आप हमारे कॉम्रेड स्कूल का जो हमारा सालाना फंक्शन है इसमें शरीक होइए, और उसकी अध्यक्षता की वो आए। और उन्होंने उस समय सन 2002 में जब आए वो, तो उन्होंने जैसे ही प्रोग्राम देखा तो राजेश जी को उन्होंने आशीर्वाद दिया कि बेटा मेरा आशीर्वाद आपके साथ है कि आप फलीभूत हो गए। अब उस साधुओं का आशीर्वाद तो है ही, और उसके साथ साथ राजेश जी ने भी जिस भावना से और कामना से मेहनत की है उसके लिए आज ये साधुवाद के आशीर्वाद के भागी है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, अगर विद्यार्थी शिक्षक का साथ ना दे तो शिक्षा अधूरी। मैं महाभारत की पुरानी बात दोहराना चाहता हूं कि गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को अपना शिष्य बनाने से मना कर दिया, लेकिन एकलव्य के मन में एक वो भावना थी गुरु के प्रति, उन्होंने अपने गुरु को एक मूर्ति बनाई और उस भावना से उस मूर्ति का रोज ही नमस्कार करके उन्होंने प्रशिक्षण शुरू किया। रोज ही प्रशिक्षण करते करते आखिर वो क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो गुरु द्रोणाचार्य के सर्वप्रथम गुरु यानी शिष्य माने जाते थे अर्जुन, वो उनसे भी आगे निकल गया। जब गुरु द्रोणाचार्य ने इस बारे में पूछा भी क्या है ये कैसे हुआ, गुरु महाराज ये सब आपकी कृपा है आपका आशीर्वाद है, मैंने देखो नहीं दिया, आपने नहीं दिया लेकिन मैंने मन से सुन लिया था, मेरी भावना थी आपके प्रति, वो भावना मेरी जागृत हुई, आज मैं इस उससे पहुंचा हूं। तो मेरी राजेश जी से और इस कॉम्रेड स्कूल से यही परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि ये संस्था दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की करे और इस देश का और हमारे शहर का, फरम नगर का, हरियाणा का और देश का नाम रोशन करे, ये मेरी भावना है। बहुत बहुत दिनेश नागपाल, गुड़गांव से हूँ। राजेश जी से मेरे बहुत पुराने संबंध है। राजेश जी के स्कूल में जो आज काम हुए हैं, जिस तरह का इन्होंने प्रदर्शन किया है, अगर ये फलीभूत हो जाए, हर स्कूल में इस तरह के कार्यक्रम हो, तो हमारे देश की करप्शन और जो इन्होंने देशभक्ति के प्रोग्राम किए हैं, हर आदमी हर बच्चा देशभक्ति से फलीभूत होगा, तो हमारा देश 100% तरक्की तभी करेगा जो हर स्कूल में इस तरह के कार्यक्रम होंगे। हम राजेश जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो एटलीस्ट गुड़गांव में हर क्षेत्र में अपनी संस्था को खोले, तो जो भी हमारे से सपोर्ट होगी हम वो करेंगे। चेयरमैन ऑफ कैम्ब्रिज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, आज गुड़गांव के और आसपास के बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ पर टाइम निकाल के आए हैं, मैं उन सभी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये हमारे बच्चों को बड़ा हौसला अफजाई है और हम चाहते हैं कि जितने इस तरह के विद्वान लोग और प्रतिभावान लोग हमारे यहाँ पर इस प्रांगण में पधारे हैं, उनके कई कमलों से यहाँ के भाग्य धन्य हो गए, तो हमारे बच्चे भी उनकी से सीख लें और जीवन में उसी तरीके से बहुत आगे बढ़े। गुड़गांव में क्या है कि वहाँ पर हर बच्चा किसी न किसी वजह से ट्यूशन जाता है, क्योंकि हमारे स्कूल का ये है जो भी कराएगा वो स्कूल कराएगा, ट्यूशन के भरोसे नहीं है, या इवनिंग तक क्लासेस है स्पोर्ट्स की, कोचिंग की, ताकि बच्चे पूरे तरीके से अच्छे से अच्छा कॉम्पिटिशन फाइट करें और किसी भी तरह की उसको कोचिंग की जरूरत ना हो। दिनेश भाई है, नरेंद्र जी है, जैसे भी इन लोगों का साथ रहेगा, आशीर्वाद रहेगा और गुड़गांव में बहुत अच्छा काम करते हैं जल्दी ही। कैम्ब्रिज स्कूल का जो महोत्सव है, वो स्कूल के महोत्सव तो बहुत देखे हैं, बहुत स्कूलों के देखे हैं, लेकिन यहाँ की स्पेशलिटी जैसे आजकल IKS चल रहा है, इंडियन नॉलेज सिस्टम इन इंडियन एजुकेशन, तो मुझे लगता है कि इस स्कूल में वो IKS को इम्प्लीमेंट जो किया जा रहा है प्रैक्टिकल वर्ल्ड, वो देखने को यही मिला है। IKS में यही है कि हमारी अपनी स्पिरिचुअलिटी, हमारी वैल्यूज, हमारा योगा सिस्टम, वो सब हमारे इंडियन एजुकेशन में शामिल हो। तो यहाँ के देख करके जब ये अगर बच्चों को गीता के श्लोक याद है, गीता के श्लोक याद होने का मतलब है कि वो इनकी एजुकेशन में है, और अगर जिस बच्चे को गीता के श्लोक याद हो जाएंगे तो उसकी डिसीजन पावर या उसकी समझ बूझ की शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि वो जीवन को बहुत अच्छे तरीके से पार कर जाएगा। तो एक तो ये इसका है कि IKS सिस्टम को यहाँ पे स्कूल में प्रैक्टिकल उसमें इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और दूसरा ये कि अगर बच्चे जो कि आजकल मॉडर्नाइजेशन की वजह से इतना ड्रिफ्ट हो रहे हैं, उनका दिमाग इतना परेशान है, इतना स्ट्रेसफुल लाइफ उनकी है, और अगर वो बच्चे अगर ये वाली जनरेशन
गीता जैसी चीजों को पढ़ेंगे, योगा जैसी चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे, या जो ये लोग स्केटिंग कर रहे थे उससे इनका जो माइंडसेट है, जो मेंटल लेवल उनका है, वो इतना पीसफुल हो जाएगा कि वो अपने टारगेट को ही अचीव करेंगे। सिर्फ यहाँ वहां की फालतू की चीजों पर उनका ध्यान जाएगा ही नहीं। तो बेस्ट चीज यही थी, जो गीता के श्लोक जो थे वो तो अमेजिंग पार्ट था आज का। शोभा ठक्कर, मैंने बहुत से प्रोग्राम देखे हैं बाकी स्कूलों में भी, लेकिन जो यहाँ का प्रोग्राम देखा है ना, तो अमेजिंग। समझ ही नहीं आ रहा था ये हम स्कूल में मतलब प्रोग्राम देख रहे हैं या कहीं शो, और बाकी चीजें भी बहुत टच हो रही थी कि जैसे बच्चों को देख रहे थे कि जैसे भारत की अब संस्कृति खो सी जा रही है, धीरे धीरे जा रही है, लेकिन यहाँ आके लगा थोड़ा दिल को सुकून मिला कि हाँ अब आप इस पकड़ में आएगी धीरे धीरे। थैंक। और आज हमने प्रोग्राम देखा ना, जैसे उमा मैम ने बताया कि जो गीता के श्लोक बच्चों को याद है, जो उनकी कंसंट्रेशन पावर है वो आगे आगे, जैसे क्या है ऐसे प्रोग्राम्स अगर होते रहेंगे जैसे मैम करा रहे सर करा रहे, तो बच्चों का कंसंट्रेशन काफी बढ़ेगा और वो अपनी संस्कृति की तरफ जा रहे हैं। मेन तो यही है कि वो संस्कृति की तरफ जा रहे हैं, और सबसे अच्छा ये है कि जो एजुकेशन यहाँ प्रोवाइड की जा रही है वो अब हमारे गुड़गांव में भी आएगी, तो वहाँ के बच्चों को भी एजुकेशन सिस्टम में जो गीता के श्लोक हैं या फिर जो हमारे संस्कृति की तरफ जो बच्चे इधर उधर चले गए हैं वो अपनी संस्कृति की तरफ चले जाएंगे। थैंक यू जी। मैं सूर्यकांत शर्मा, वर्किंग एज पीजीटी फिजिक्स इन कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल। और जो मेरा एक्सपीरियंस यहाँ था, जैसे बच्चों को जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह होते हैं उसका आसपास उसका बहुत बच्चों को जाना, जैसे दूर दूर जाना पड़ता है, कोटा आप कोटा लगा लो, यहाँ काफी दूर पड़ता है बच्चों को और अफोर्डेबल नहीं रहता कुछ बच्चों के लिए, तो हम लोग यहाँ पर उसके लिए भी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। जितनी हमारी कोशिश है कि बच्चों को सारी की सारी सुविधाएं यहीं पर दी जाए ताकि उनको बाहर ना जाना पड़े। तो वी आर प्रोवाइडिंग एवरीथिंग, एवरी फैसिलिटी फॉर एवरी चाइल्ड सो दैट दे कैन ग्रो मेंटली फिजिकली। So, मेरा मानना ये कि जो कैम्ब्रिज जो कर रहा है बच्चों को, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये कि हम लोग जो अपना कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं रिसेंटली वो आपका जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है। एनडीए अभी रिसेंटली जैसे हमारे बच्ची क्वालिफाई किया है एनडीए, और इसी जगह की पहली बच्ची है वो जिसने एनडीए क्वालिफाई किया है। तो मेरे ख्याल से जो हम लोग जो कैम्ब्रिज इंटरनेशनल के माध्यम से जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज वेरी big thing and we need to appreciate that this type of efforts made by our school. Thank you. यहाँ पर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में और जो अच्छा अच्छा मतलब अच्छे अच्छे कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए बच्चों के द्वारा जी, तो बात वही है हम लोगों ने मेहनत की, हमारे स्कूल ने मेहनत की और उसके लास्ट में आपको एक अच्छा रिजल्ट मिला। एज अ स्पोर्ट्स एज अ एजुकेशन आप किसी भी फील्ड में अगर जाते हैं तो हमारा स्कूल स्कूल कहलाता और रहेगा। थैंक यू। सर मेरा नाम अनिल है, प्रमुख मंडल से है, और यहाँ पे जो एग्जीबिशन लगा हुआ है बहुत अच्छा है, बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है और अच्छा है, जो उनकी एजुकेशन भी खत्म कर रहा है यहाँ पे कैम्ब्रिज स्कूल। मैं ईशा चौधरी फर्कनगर से हूँ। मैं कैम्ब्रिज स्कूल में फंक्शन अटेंड करने आई हूँ, एनुअल फंक्शन, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। सारे बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत कर रखी है, बहुत प्यारा कर रखा है सब कुछ। नाम है मेरा रितु सैनी, यहाँ कैम्ब्रिज स्कूल में आए हुए हैं। बच्चों ने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है, सबने अलग अलग मॉडल तैयार किए हुए हैं, किसी ने बेटी के ऊपर बोला है तो किसी ने अलग अलग ये बनाए हुए हैं, नाउन वगैरह बनाए हुए हैं, मतलब बहुत अच्छा बनाया हुआ है सब लोग। तो उस बच्ची का सबसे बढ़िया लगा जिसने लड़कियों के ऊपर बोला है। हाँ जी, थैंक कुमार है जी, कहां से आए हुए हैं? एक गुड़िया यहाँ पे सेवंथ में, एक फोटो है ये फर्स्ट में। कैसा लगा आपको यहाँ का प्रोग्राम? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया स्कूल है, बहुत तीन नंबर वन, नंबर वन। मेरा नाम मनीषा है और स्कूल अच्छा है, पढ़ाई भी काफी अच्छी होती है। हाँ जी, मेरे तीन बच्चे हैं स्कूल में। हाँ जी, शुरू से इसी स्कूल में है, पढ़ाई जी अच्छी होती है स्कूल में। का प्रियंका पावा, आई एम फ्रॉम फर्कनगर एंड दिस स्कूल इज वेरी नाइस, स्टडीज आल्सो वेरी गुड, माय बेबी इज वेरी ग्रोथ इन दिस स्कूल। वो स्कूल में आने के बाद ना इतना अच्छे से पढ़ाई करने लग गया है,
बच्चे में मैनर्स आते हैं, उसको खेल कूद में आगे बढ़ाया जाता है। जैसे हम लोग आप ये सब देख ही रहे हैं, इनसे बच्चा बहुत नई नई चीजें देखने को मिलते हैं। मैंने यहाँ पे भी देखा बच्चों को स्केटिंग में इतनी अच्छी प्रोग्रेस की हुई है, तो हम भी सोचते हैं कि हमारे बच्चे भी आगे स्टडी में जाएंगे, स्कूल में आएंगे तो आगे आगे प्रोग्रेस करेंगे। यहाँ की स्टडी बहुत अच्छी है, हमें बहुत अच्छी लगी है। कैम्ब्रिज स्कूल में आए हैं, बच्चे यहीं पढ़ते हैं और जो यहाँ का सिस्टम देखा है, जो बच्चों की नॉलेज है, सच में ही कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी जो नॉलेज मिली हुई है बच्चों को। एक एक पॉइंट क्लियर बताते हैं कि भाई ये चीजें हैं, और मेन फोकस इनका है कि जो प्लास्टिक का जो यूज हो रहा है ना, जिसके कारण पूरा देश जिस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, उस चीज की तो इन्होंने बहुत ही गहरी नॉलेज दे रखी है। और क्या विशेष लगा आपको यहाँ पे प्रोग्राम में? विशेष यही है, प्लास्टिक का जो यूज कर रही है ना पब्लिक, उससे पीछे हटाओ और जो बच्चों की नॉलेज है वो बहुत ही अच्छी है, हर टॉपिक पे अच्छे हैं। आगे आ सकता है और डिक्शनरी के कहीं से भी किसी वर्ड को आप उनसे पूछ। हैक्टिक परेशान, वेल डन। नेक्स्ट, आई वांट टू टेल यू, आई वांट टू आस्क यू, सी एस डबल ई के सी बेटा, लाउडली स्पीक। टाटा जाकी करना, अनदर वर्ड, अनदर मीनिंग चुप चुप कर देखना।